मैं ज्ञान हूं, ज्ञानियों का मान और बुद्धिजीवियों की पहचान हूं। मैं ज्ञान हूं। हे मानव जाति, तुम्हारे ही समान मेरा जन्म भी भगवान नारायण की इच्छा मात्र से हुआ है। तुम मुझे पाने का प्रयास करते हो और मैं तुम्हें अपना बनाने की शुभेच्छा रखता हूं। इस कारण हमारा और तुम्हारा निकट का संबंध है। वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इसी कारण आज मेरे मन में एक विचार जन्मा। भगवान नारायण के विभिन्न वेद पुराणों में वर्णित 24 अवतारों की कथा का सत्संग। हे मानव जाति, भगवान को जानने के इस प्रयास में मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूं। हमारे और तुम्हारे जीवन के समान समय और काल को भी गति प्रदान करने वाले देव देवेश्वर भगवान नारायण ने एक दिन समय और काल को विराम देने और युगों के चक्र अर्थात मनवंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से अपना हाथ उठाया। ये क्या हो रहा है? महाप्रभु श्री नारायण का संकेत हो गया है देवी सरस्वती। कैसा संकेत ब्रह्मदेव? देवी, ये मनवंतर समाप्त होने वाला है। महाप्रलय का समय अब समीप। कंपन संसार में भूचाल का संकेत है। इस कंपन को देखकर चिंतित न हो पार्वती, यह कंपन सृष्टि के अंत और महाप्रलय का संकेत है। अर्थात? देवी पार्वती, तुम तो भलीभांति जानती हो कि महाप्रभु श्री नारायण की इच्छा से एक निश्चित समय के बाद हर मनवंतर का अंत होता है। यह कंपन इस सृष्टि के अंत का संकेत है। अर्थात पूर्व मनवंतरों की भांति? हाँ देवी, पूर्व मनवंतरों की भांति इस मनवंतर का अंत करने के लिए हमें अपने प्रलयंकर रूप में प्रकट होना होगा। महाप्रलय के बाद कुछ नहीं बचता देवराज, न देव न दानव न मानव न कोई अन्य प्राणी, पूरा संसार जल के अथाह सागर में समा जाता है। देव गुरु बृहस्पति, इस महाविनाश की सूचना आपने हमें पहले कभी नहीं दी? क्योंकि महाप्रलय का निर्णय त्रिदेव ही करते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग रूपी एक मनवंतर के पश्चात होने वाली महाप्रलय अटल है। इस सृष्टि प्रलय और सृष्टि निर्माण का ज्ञान समय से पूर्व त्रिदेव के अतिरिक्त किसी भी प्राणी को नहीं होता। किंतु इस समय महाप्रलय की आवश्यकता ही क्या है देवगुरु? आवश्यकता है देवराज, संसार से सत्य और धर्म का नाश हो गया है। हर स्थान पर हिंसा, अन्याय और अधर्म का महातांडव हो रहा है। विवादों को अपनी मर्यादा का प्रश्न बनाकर उन्मादित जीव ही जीव का शत्रु बन गया है। देवराज, त्रिदेवों की इच्छा से आप जैसे जिन व्यक्तियों पर संसार के कल्याण का भार सौंपा गया, वे ही संसार की चिंता छोड़कर रास रंग और स्वयं की स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। ऐसे घोर अधर्म काल में प्रलय ही उचित है। ओ,
मनमोहक छवि के दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए महाप्रभु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महाप्रभु नारायण, सृष्टि निर्माण और महाप्रलय तो काल चक्र के समान नित्य और सनातन है। हम सब तो यहाँ महाप्रलय से पूर्व आपके दर्शन पाने के लिए एकत्र हुए हैं। योग और तप की शक्ति से ज्ञान को अपना जीवन लक्ष्य बनाने वाले परम ज्ञानी सप्तऋषियों, आप तो जानते हैं कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियां प्रलय काल में ये रूप त्याग कर शून्य काल के बाद पुनः इसी रूप में अवतरित होते हैं। आपकी कृपा से इस रहस्य का ज्ञान हमें है देव देवेश्वर। महाप्रलय के बाद सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा और सारी सृष्टि में अथाह जलराशि और घोर अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। हे देव देवेश्वर, क्या सृष्टि अंत के इस अटल नियम से इस संसार के सभी प्राणी बंधे हैं? ऋषिवर, इस अटल नियम से ऊपर तो केवल आप सप्तऋषि हैं। अपनी भक्ति, योग और तप की शक्ति से आप सृष्टि रचना और प्रलय से परे होकर अजर और अमर हैं। महाप्रभु, क्या प्रलय काल के बाद हम सप्तऋषियों के अतिरिक्त कोई प्राणी जीवित नहीं बचेगा? आप सप्तऋषियों के अतिरिक्त एक और व्यक्ति है जो अपनी आस्था और भक्ति की शक्ति से प्रलय काल के बाद भी जीवित रहेगा और अगले मन्वंतर और नवसृष्टि में प्रवेश करेगा। हे देव देवेश्वर, हे भक्त वत्सल भगवान नारायण, हम भी तो आपके परम भक्त हैं। हम भक्तों पर कृपा कर इस महाप्रलय काल में हमारे स्वर्ग और देवताओं की सुरक्षा का वरदान दे। असंभव देवराज, जब महाप्रलय काल में हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने देह का त्याग करना पड़ता है तो आप देवता नष्ट होने से कैसे बच सकते हैं? हे दयानिधान, केवल सप्तऋषियों और अपने परम भक्तों के प्रति ऐसा पक्षपात क्यों? हमें भी न्याय प्रदान करें। आप न्याय की दुहाई न दें पवन देव। जीवन की रक्षा के लिए न्याय की दुहाई अनुचित नहीं है ऋषिवर। मैं आप लोगों को पुनः सावधान कर रहा हूँ देवताओं। आप लोग न्याय का प्रश्न उठाकर भगवान नारायण के न्याय पर संदेह कर रहे हैं। देव देवेश्वर, भगवान नारायण की कृपा से आप सप्तऋषि इस महाप्रलय के प्रहार से सुरक्षित हैं, इसीलिए आप ऐसा कह पा रहे हैं। आप अपनी मर्यादा को लांग रहे हैं देवराज। सत्य सुनने से आपकी मर्यादा पर आंच कैसे आ गई ऋषिवर? सावधान देवराज, हम ऋषियों का अपमान करके आप नव सृष्टि में अपना इंद्रपद खो देंगे। ऋषिवर अंगिरा, हम यहाँ देवराज इंद्र से वाद विवाद करने नहीं अपितु भगवान नारायण की मनमोहक छवि के दर्शन करने आए। अब हमारा नक्षत्र लोक लौट जाना ही उचित है। अब हमें आज्ञा दें देव देवेश्वर। जैसी आप सब ऋषियों की इच्छा। ओम नमो नारायण। हे देव देवेश्वर, आप हम देवताओं पर सदा कृपा करते रहे हैं, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें। सृष्टि के इस महाविनाश से स्वर्ग और देवताओं की रक्षा का वचन दे। हम पर कृपा करें देव देवेश्वर, महाप्रलय से हमारी रक्षा करें जगतपालक। सब कुछ जानने पर भी आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं देवगणों, जिसे स्वीकार करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अर्थात हम आपके श्री चरणों से निराश होकर लौट जाएं? लौटने से पूर्व मैं आप सबकी प्रार्थना पर एक परामर्श अवश्य दे सकता हूँ। कैसा परामर्श भक्तवत्सल? देवताओं, महाप्रलय में अभी एक माह का समय शेष है। इस एक माह का सदुपयोग आप सत्कर्म और लोक कल्याण के लिए कर सकते हैं। इससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हमें आपका परामर्श स्वीकार है महाप्रभु। देवगणों,
एक माह के बाद होने वाला महाप्रलय भविष्य में प्रकट होने वाली नव सृष्टि का संदेश है, जिसमें हर प्राणी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ अथवा अशुभ जन्म और जीवन प्राप्त करेगा। महाप्रभु, आपकी इच्छा का आदर करते हुए हम देवता महाप्रलय द्वारा अपने अंत को स्वीकार करते हैं, किंतु प्रार्थना है कि नव सृष्टि में आप दानवों का जन्म ही न होने दें। ये दैत्य और दानव सदा हम देवताओं के लिए संकट उत्पन्न करते रहते हैं, हमें कभी शांति से नहीं रहने देते और संसार में अधर्म को बढ़ावा देते रहते हैं। संसार में अधर्म का बोल पाला हो, यदि अधर्म उत्पन्न हुआ इंद्र तो तुम इतने अधिक दुष्ट हो जाओगे तुम्हारी दुष्टता और दुष्कर्म देवों की भी उपेक्षा करेंगे। तुम्हें तो मुझ अधर्म के उत्कर्ष की प्रार्थना करनी होगी इंद्र, क्योंकि मुझ अधर्म की शक्ति के कारण ही धर्म नीति और सत्य का महत्व ज्ञात होता है। अधर्म तुम ठीक पहचाना इंद्र, मैं ही अधर्म हूँ। तुमने इस समय क्षीर सागर में आने की दुष्टता कैसे की? अधर्म की उपस्थिति कभी भी अनुचित समय पर नहीं होती इंद्र। जब भी किसी देव दानव मानव के मन में लालच दुष्टता और वासना जन्म लेती है, तब मैं ही प्रकट होकर उसकी सहायता करता हूँ। अपनी मर्यादा लांघने का दुस्साहस ना कर, ना कर अधर्म। और तुम्हें मर्यादा लांघते शांत बना देता रहूं। असंभव इंद्र, असंभव। अपनी मर्यादा लांघने का दुस्साहस ना कर, ना कर अधर्म। और तुम्हें मर्यादा लांघते शांत बना देता रहूं। असंभव इंद्र, असंभव। हमारे क्रोध को जगाने की भूल ना कर अधर्म, अन्यथा परिणाम तेरे हित में ना हो। तू मुझे चेतावनी दे रहा है इंद्र, मुझे? तू? अरे दुष्ट ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली घटनाओं के बाद ही इस समय भी तेरे अस्तित्व को मुझे अधर्म की काली छाया ने घेर लिया है। अधर्म! उत्तेजित ना हो इंद्र, उत्तेजित ना हो। स्मरण करो कि वर्तमान मन्वंतर में तुमने कितनी बार उच्च धर्म का सहारा लिया। स्मरण करो, जब जब तुम्हारे मन में नीति और धर्म के विरुद्ध दुष्टता की कामना जागी, तब तब मैंने अपनी घोर अधर्मी शक्ति से तुम्हारी सहायता की। तू असत्य कह रहा है अधर्म। ऊंचे स्वर से सत्य असत्य नहीं हो जाता इंद्र। स्मरण करो, विश्वरूप त्वष्टा पुत्र त्रिशरा की हत्या का अपराध। स्मरण करो, वृत्रासुर को कपट से मारकर ब्रह्म हत्या का घोर अपराध। स्मरण कर, गौतम ऋषि की सती साध्वी पत्नी देवी अहिल्या को कपट से कलंकित करने का अपराध। जब जब तूने मेरा साथ मांगा, मैंने तेरी सहायता की, और तू मेरे आश्रित दैत्य और दानवों के उत्पन्न होने का विरोध कर रहा है। व्यर्थ की बातें ना कर दुष्ट। नव सृष्टि में भक्त वत्सल की कृपा से अधर्म का जन्म ही नहीं होगा, और यदि दैत्य और दानव प्रकट हुए भी तो वे भी धार्मिक बन जाएंगे।
वेद का महल और कल्पना की उड़ान सत्य के एक ही झटके से बिखर जाते हैं इंद्र। सत्य तो यह है कि सृष्टि को जितनी आवश्यकता धर्म की है उतनी ही आवश्यकता अधर्म की भी है। तुम्हारा कथन पूर्ण हुआ अधर्म, अब अपनी वाणी को विराम दो। जो कुछ भी होगा वो विधि विधान के अनुसार ही होगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ महाप्रभु कि आप इन देवताओं को समझाएं, ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपका मूल्य समय नष्ट ना करें। लौट जाओ इंद्र, लौट जाओ देवताओं, अब तुम्हें यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होगा, लौट जाओ। हमें आदेश देने का प्रयास न कर दुष्ट धर्म, जैसे आया है वैसे ही यहाँ से अदृश्य हो जाओ। प्रभु इस दुष्ट को दंडित करें, इसे यहाँ से अदृश्य हो जाने के लिए विवश कर दे। भगवान नारायण तो सत्य धर्म के रक्षक हैं, न्यायवान हैं। इन या धर्म के विरुद्ध भी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। मैंने ठीक कहा ना महाप्रभु? दुष्कर्मी इंद्र, दुष्ट देवताओं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले महाप्रलय में स्वर्ग सहित तुम समस्त देवता समाप्त हो जाओगे, किंतु दैत्य और दानव कभी समाप्त नहीं होंगे। मैं अधर्म पाताल लोक जाकर उन्हें प्रेरित करूंगा कि वे अपनी दैत्य शक्ति का प्रयोग करके सृष्टि के कण कण में फंस जाएं। प्रभु प्रभु इस अधर्म की दुष्टता और दुस्साहस देख रहे हैं आप? क्या आपके सामने ही सारी मर्यादाएं लांघ रहा है? प्रभु इसे अपने चक्र सुदर्शन से नष्ट कर दे। तो अपने नष्ट होने की चिंता करें, अपने महाप्रभु मेरे विरुद्ध कोई अन्याय नहीं करेंगे। नव सृष्टि में तुम देवताओं के प्रकट होने से पूर्व दैत्य और दानव तुम्हारी दुष्टता और दुष्कर्म को दंडित करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। अधर्म महाप्रलय के बाद नव सृष्टि का निर्माण सदा की भांति ब्रह्मदेव करेंगे, ये उन्हीं का एक अधिकार है। तो ब्रह्मदेव को आज्ञा दे महाप्रभु कि वे नव सृष्टि में कुछ अधर्म का भी स्थान निश्चित करें। सावधान अधर्म। परम पिता परम पिता परम पिता। नव सृष्टि निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करना भयंकर अपराध है। अपना अधिकार मांगना अपराध नहीं, कर्तव्य है ब्रह्मदेव। अधर्म में भी कर्तव्य? ये मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा स्वभाव भी है ब्रह्मदेव। और यदि आपने मेरे स्वभाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो पातालवासी दैत्य और दानव इस संसार में अपने आतंक और अत्याचार से महातांडव प्रारंभ कर देंगे। फिर यहाँ एक नहीं अनेकों महाप्रलय होंगे ब्रह्मदेव, अनेकों पातालवासी दैत्य और दानव इस संसार में अपने आतंक और अत्याचार से महातांडव प्रारंभ कर देंगे। फिर यहाँ एक नहीं अनेकों महाप्रलय होंगे ब्रह्मदेव, अनेकों। सावधान
प्रलय का महातांडव रचाने का कुछ साहस कर रहा है। महातांडव, महाप्रलय, महाविध्वंस, केवल मुझ प्रलयंकर रुद्र का ही अधिकार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अवश्य शिव शंकर, किंतु स्वयं को जीवित रखने का युद्ध हम अवश्य लड़ेंगे। युद्ध तो तब लड़ोगे अधर्म जब जीवित रहोगे। हम प्रलयंकर शिव शंकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। नाश के इस महातांडव को देखने वाला भी कोई शेष नहीं रहेगा। अवश्य शिव शंकर, अवश्य। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करता हूँ। मेरा कार्य दैत्य और दानवों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। फिर ही प्रेरणा और प्रोत्साहन से दैत्य और दानव सृष्टि के कण कण में समा जाएंगे। जागो दैत्यो, उठो, देवताओं के षड्यंत्र से सावधान हो जाओ, सावधान। श्रीजनहार ब्रह्मदेव, महारुद्र शिव शंकर, अब महाप्रलय में केवल एक माह का समय बचा है। समय आने पर हम त्रिदेवों को भी अपना कार्य पूर्ण करके स्वयं को विसर्जित करना है। महाप्रभु, आप त्रिदेवों के निर्णय का ज्ञान होने पर भी आप बार बार अपना स्वार्थ क्यों प्रकट कर रहे हैं देवराज? इससे आपके भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। देवराज, लयंकारी शिव शंकर का रौद्र रूप जागे, इसे पूर्व यहां से प्रस्थान करें। ओम नमो नारायण। महाप्रभु श्री नारायण, महाप्रलय के संबंध में आप निश्चिंत रहें। मेरे प्रलयंकर रूप में भी सृष्टि के हर विधान का नियम पूर्वक पालन है। महाप्रलय के बाद शून्यकाल में हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। महाप्रभु, शून्यकाल और महाप्रलय से पूर्व हमें एक अवतारी कार्य भी पूरा करना है ब्रह्मदेव। वो तो आप पहले ही निश्चित कर चुके हैं देव देवेश्वर। अब हमें आज्ञा दें जगत पालक। महाप्रभु, इस महाप्रलय के बाद क्या मैं भी आपके साथ रहूंगी? महादेवी लक्ष्मी, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने से पूर्व आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। अवश्य। ये संसार मुझे किस नाम से पुकारता है? इस संसार के कणकण में आप ही तो समाए हैं प्रभु। आपके एक नहीं अनेकों नाम हैं, किंतु महाप्रभु श्री नारायण आपका सबसे प्रसिद्ध नाम है। महादेवी, यदि आप मेरे साथ न हो तो क्या ये संसार मुझे महाप्रभु श्री नारायण कहेगा? आपके साथ न रहने पर ये संसार मुझे केवल नारायण के नाम से पुकारेगा, क्योंकि नारायण तत्व से आपका शिव तत्व अभिन्न है। इसी कारण महाप्रलय के बाद भी आप अदृश्य या दृश्य रूप में मेरे साथ ही रहेंगी। जागो, जागो,
व्यस्त हो जागो। अब तुम्हारा सोने का नहीं, अब तो जागने का समय है, क्योंकि अब संसार सोने वाला है। दैत्य जाति के भीतर कुछ अधर्म की अधर्मी शक्तियां ही निवास करती हैं। इसी कारण जब संसार घोर निद्रा में सो रहा हो, तब तुम्हारा जागना परम आवश्यक है। जागो दैत्यो, जागो जागो। यदि तुम इसी प्रकार पाताल के अंधकार में अचेत पड़े रहे तो तुम्हारा भविष्य भी अचेत हो जाएगा। जागो जागो दैत्य वीरो, जागो जागो। तुम उचित समय पर जाग गए अधर्मियों। आया चल कपट रो हिंसा भय और मृत्यु रूपी मेरे इन अनुचरों से भयभीत होकर त्रिदेवों ने सृष्टि का अंत करने का निर्णय लिया है। सृष्टि के अंत का निर्णय? अधर्म जब बोलता है टंके की चोट पर बोलता है। कुछ अधर्म के कारण ही त्रिदेवों की सृष्टि में हर स्थान पर धर्म का हाँ सत्य की पराजय और हिंसा का महातांडव हो रहा है, जिसका अंत उन त्रिदेवों के वश में भी नहीं। इसी कारण उन त्रिदेवों ने सृष्टि का अंत करने का निर्णय किया है। धर्मराज, सृष्टि के अंत के साथ हमारा भी तो अंत होगा। हम सृष्टि से अलग थोड़े ही हैं। मूर्खतापूर्ण बातें न करो। तुम सृष्टि से अलग हो। त्रिदेवों की सृष्टि तो कायरों से भरी है और तुम वीर हो। वीर वीरों और बलवानों को कभी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। अर्थात महाप्रलय के बाद भी दैत्य शक्ति जीवित रहेगी। मूर्खों, अधर्म जब भी बोलता है टंके की चोट पर बोलता है। वीरों को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, सृष्टि के अंत की सीमा में भी नहीं। हमें क्या करना होगा धर्मराज? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, किंतु आप इस महाप्रलय से कहे या धर्मराज कहे, हमें क्या करना होगा? पातालवासी दैत्यों, अपनी भीतर सोई दैत्य दानवी शक्ति को जगाओ और संसार में अधर्म का डंका बजाओ। क्या दैत्य और दानवी शक्तियों के जागने से पाताल लोक पर आया महाप्रलय का संकट समाप्त हो जाएगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे? मेरा अमूल्य समय नष्ट ना करो। यदि तुम्हें स्वयं ही जीवित नहीं रहना है तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। धर्मराज, हमें इस प्रकार अनाथ करके ना जाया। धर्मराज, मैं संपूर्ण दैत्य और दानव शक्ति का प्रतीक अश्वमुखी हैग्रीव हूँ। मैं हैग्रीव
महाप्रलय के प्रहार से भी सुरक्षित रहूंगा और दैत्य जाति को भी पाताल में सुरक्षित रखूंगा। मैं देवताओं के षड्यंत्र को असफल कर दूंगा। ग्रीव, त्रिदेवों की महाशक्ति के सामने दैत्य और असुरों की शक्ति तो तिनके के समान है। यदि तुम त्रिदेवों की शक्ति से टकराओगे तो महाप्रलय से पूर्व ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। कनक, बुद्धि से काम लो। है ग्रीव, बुद्धि से। अब तो हमारी बुद्धि पर विश्वास करोगे ना अधर्मराज? मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना भली भांति आता है। किंतु जब लक्ष्य का ज्ञान ही न हो तो किसी प्रकार का विकार व्यर्थ हो जाता है। क्या तुम अपने लक्ष्य को जानते हो? क्रोध और अहंकार मेरे ही दास है, किंतु वे दैत्य जाति को हानि पहुंचाए ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। इसी कारण तुम अपने क्रोध और अहंकार को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो। दैत्य शक्तियों के प्रतीक है ग्रीव। अधर्म जब बोलता है टंके की चोट पर बोलता है। त्रिदेवों की सात्विक शक्तियों का आधार है चार वेदों का ज्ञान विज्ञान। वेदों में निहित धर्म का आश्रय लेकर ही त्रिदेव इस सृष्टि की रचना पालन और संहार करते हैं। ज्ञान विज्ञान और धर्म का हम अज्ञानियों और अधर्मियों से क्या संबंध? संबंध है ग्रीव, संबंध है। यदि तुम अपनी दैत्य दानवी शक्ति के प्रचंड प्रहार से ब्रह्मलोक से उन चार वेदों का हरण कर लोगे तो अधर्म जब बोलता है टंके की चोट पर बोलता है। यदि तुम उन चार वेदों का हरण कर लोगे तो देवताओं की सात्विक शक्ति नमित हो जाएगी। फिर इच्छा होने पर भी दैत्य जाति को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। दैत्यराज है ग्रीव। धन्य है अधर्मराज, आपका उपदेश पाकर मैं धन्य हुआ। वेदों को अब मैं ब्रह्मलोक में नहीं पाताल लोक में रहने को विवश कर दूंगा। बोलो अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। जय जयकार में अपना समय नष्ट ना करो। महाप्रलय में अब मात्र एक मास का समय रह गया है। शीघ्रता से वेदों को अपने अधिकार में कर लो और संसार में अधर्म का डंका बजा दो। जो आज्ञा अधर्मराज। अधर्मराज और दैत्यराज है ग्रीव जी। अब अधर्म का डंका बजेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। Thank you.
ऐसा अश्वमुखी विचित्र दैत्य तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या ये प्रलय काल से पहले महाप्रलय मचाने जा रहा? नारायण नारायण। करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषि। हे महाप्रभु, इस विचित्र अश्वमुखी दैत्य की हिनहिनाहट से सारा ब्रह्मांड कांप रहा है। हे जगतपालक, अपने चक्र सुदर्शन का प्रयोग करके इसे समाप्त कर दे, अन्यथा यह कोई अनर्थ कर डालेगा। हर मन्वंतर की समाप्ति पर ऐसा ही होता है देवर्षि। विवेकवान पुरुषों की बुद्धि भी भ्रमित होने लगती है। नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं महाप्रभु। मैंने कहा ना नारद, संगठित दैत्य शक्ति के प्रति इस हैग्रीव को देखकर इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु। नारद, हैग्रीव के अंत का समय अभी नहीं आया, इसके लिए तुम्हें अगले मन्वंतर तक प्रतीक्षा करनी है। ब्रह्मदेव जागे, अपने ध्यान को विराम दे। ब्रह्मदेव, कोई दैत्य शक्ति ब्रह्मलोक में आक्रमण करने के लिए आ रही है। सचेत हो, जागे ब्रह्मदेव जागे। जागे स्वामी जागे। ये कौन मुझे बताएं? मैं वो लोग के आग सा। इन्हें जगाने का प्रयास व्यर्थ है। अब संसार की कोई भी शक्ति है ग्रीव को वेदों का हरण करने से नहीं रोक सकती। सावधान है ग्रीव। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, सर्वोच्च दैत्य और दानव शक्ति का प्रतीक मैं हैग्रीव वेदों का हरण करने आया हूँ, ताकि महाप्रलय में दैत्य और दानव पाताल लोक में सुरक्षित रह सके। यदि तुम में मुझे रोकने की शक्ति हो तो रोक ले, मैं इन वेदों का हरण करने जा रहा हूँ। देखे महाप्रभु श्री नारायण, देखे दुष्ट हैग्रीव
वेदों का हरण करके उन्हें पाताल लोक ले जा रहा है। कृपया वेद ऋषियों को मुक्त कराएं प्रभु। हे भगवान नारायण, रक्षा करें, वेदों की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। वेदों का ज्ञान ही सृष्टि का आधार है स्वामी। वेद ऋषियों को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट है ग्रीव को दंडित करें प्रभु। छलिया नारायण ने वेद ऋषियों को ग्रंथ के रूप में बदल दिया, किंतु इस समय युद्ध न करके वेदों को पाताल में बंदी बनाना ही उचित होगा। समय आने पर मैं नारायण को उसके छल का दंड अवश्य दूंगा। महादेवी लक्ष्मी, देवर्षि नारद, आप दोनों शांत हो। संगठित दैत्य शक्ति का स्पर्श पाकर वेद ऋषि उत्तेजित और पीड़ित अवश्य हुए थे, परंतु मेरी इच्छा मात्र से अब वे मौन ही रहेंगे। दैत्यों को वेदों के ज्ञान विज्ञान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात वेद अब पाताल में बंदी बनकर रहेंगे। अपनी ही बनाई हुई नियति से हम स्वयं विवश है महादेव, किंतु समय आने पर हम अवतार धारण करके वेदों को पाताल से मुक्त करेंगे।